हेलो गाइस, आज फिर मैं आपको एक न्यू डिज़ाइन लेके आया हूँ। और ये मटेरियल जो है हमारा सिनर्जी कंपनी का है और इसको बोलते हैं हम सुपर फाइन। इस मटेरियल में मैंने वो डिज़ाइन बनाया है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ उन पेंटर भाइयों की, जो पेंटर भाई मुझे कमेंट करके और फ़ोन करके बोलते हैं कि गफ्फार भाई, ये वाला जो मटेरियल है आपका, जो आप सिनर्जी कंपनी का लगाते हो सुपर फाइन, ये हर एक शहर में नहीं मिलता। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि हर एक शहर में ये मटेरियल नहीं है, तो उनके लिए मैंने एक मतलब अच्छा तरीका बताया बताऊंगा इसमें। सबसे पहला अच्छा तरीका ये है कि जो अपेक्स क्रिटेक्स है, जो एशियन कंपनी का अपेक्स क्रिटेक्स रूलर फिनिश का जो माल है वो यही मटेरियल है, और जो सनर्जी कंपनी का जो मटेरियल है वो सेम टू सेम, दोनों का मटेरियल सेम है। तो आप एशियन कंपनी में अगर आपको ये सनर्जी का नहीं मिल रहा है, तो एशियन कंपनी का जो हमारा अपेक्स क्रिटेक्स है वो आप ले सकते हो, रूलर फिनिश, अपेक्स क्रिटेक्स रूलर फिनिश। और ये हमारा सनर्जी कंपनी का है सुपर फाइन। तो सुपर फाइन आप देख सकते हो कि किस तरह से मैंने इसमें चढ़ाया है, और रूलर आपको दिखा दिया, रूलर से मैंने चढ़ाया। और आगे मैं आपको कुछ वीडियो मेरी म्यूज़िक वाली होगी, और कुछ में मैंने समझाया, बीच बीच में समझाया, कुछ म्यूज़िक भी है। तो इसमें हमारे जो टूल यूज हुए हैं वो टूल है एक, हमारा ये रूलर है बड़े बड़े बालों वाला, और जो दूसरे जो जो टूल है हमारे, एक नॉर्मल गुरमाला है हमारा जो आम दुकानों पर मिलता है, और एक स्टील गुरमाला है। तो इसमें दो मतलब दो गुरमाला, कोई सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या तो आप स्टील वाला कर सकते हो या नॉर्मल गुरमाला। ये आप देख सकते हो, ये स्टील वाला गुरमाला है, और वो दूसरा एक रूलर है। अब इससे आगे आपको म्यूज़िक मिलेगा, और बीच बीच में मैं आपको बताऊंगा भी। Thank you.
दीवार है तो ये हमने सुपर फाइन बनाई है, मतलब जो सरट कंपनी का हमारा सुपर फाइन है उसमें बनाई है। अगर यही डिजाइन अगर आप एशियन में बनाना चाहते हैं, एशियन कंपनी में जो एशियन पेंट है हमारा उसमें बनाना चाहते हैं, तो उसका आता है हमारा एपेंट क्रिटेक्स, जो रूलर फिनिश के नाम से दुकान से मिलता है। एपेंट क्रिटेक्स रूलर फिनिश के नाम से आपको दुकान से वो मिलेगा। वो यही मटेरियल होगा जो ये मटेरियल आप देख रहे हो। अब हमने इसमें डिजाइन तो निकाल दिया है, वो आपने देखी है कैसे डिजाइन निकाला है। तो जैसे कि आप देख रहे हो इसमें ये हमारे पास जो रेगमार है 150 नंबर का है, वाटर प्रूफ रेगमार है 150 नंबर का। और इसको क्या करना है, हमने रेगमार मारना है 150 नंबर का। तो इस तरह का ये है, अभी आप देख सकते हो। तो हमारी जो टीम है वह इस पर काम कर रही है, तो अभी मैं दिखवा देता हूँ आपको। ये हमारा 150 नंबर का रेगमार और इसको हमने इस तरह तोड़ दिया है। तो हमने क्या करना है, इसको हल्का हल्का मारना है, मतलब सिर्फ दाना खत्म करना है बस, और कुछ नहीं करना, हल्का हल्का मारना है। ये हमारा बाइंडर है, केमिकल्स है इसको लगाने वाला, जो टेल गार्ड पे लगता है ना, जो टेल गार्ड होता है वो केमिकल, मतलब ये हमारे पास बाइंडर है वो होता है ऑलवेज। और ये वाटर ग्रेस है, जो टेल गार्ड है जैसे हमारे एशियन कंपनी का मिलता है और MRF पे भी मिलता है वो टेल गार्ड, तो उसकी जगह हम ये यूज कर रहे हैं बाइंडर। तो आप टेल गार्ड भी यूज कर सकते हो। तो हमारे पास कुछ कलर भी है, ये कलर है जो हमारा टेल गार्ड होता है उसी का ये कलर है, तो ये हम इसमें डालेंगे बाइंडर में। तो जैसे अगर हमारे पास टेल गार्ड होता तो टेल गार्ड अगर हम लगाते इसकी जगह तो उसके अंदर भी कलर ही पड़ता, कलर चेंज होके आता। तो इसके अंदर के लिए हमने बाइंडर यूज करा है। तो जैसे आपके पास बाइंडर है तो ठीक है, नहीं है तो आप टेल गार्ड यूज कर सकते हो। और इस कलर का नंबर है 9406, इस कलर का नंबर है। तो ये कलर हमने टेंट कराया था मशीन से, तो ये कलर हमने पॉलिथीन में लेके आया, तो अभी हम इसमें मिक्स करते हैं। इस तरह से आप इसे धो सकते हैं पूरी चेंज वो कलर जो है आपका वो इसके अंदर आ जाएगा। ये पूरा कलर हमारा हो चुका है। ये दो लोड दो सारे, पूरा लोड दो, ये हमने पूरा इसमें लोड दिया है और कलर हमारा तैयार हो गया है।